वाराणसी का ज्ञानवापी परिसर एक बार फिर विवाद और सुर्खियों में है। बीते रोज परिसर में वजू और शौचालय की मांग की गई थी मुस्लिम पक्ष की ओर से। अब इस मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जताई है। यह हवाला देकर कि ज्ञानवापी परिसर में विश्वेश्वर का शिवलिंग मौजूद है, इसलिए वजू या शौचालय ज्ञानवापी परिसर के बाहर ही हो। इस संबंध में हिंदू संगठनों ने जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, बैठक में पक्ष रखने का मौका दिया गया है, बात को सुना गया है। डीएम साहब, डीसीपी साहब मौजूद रहे हैं, मीटिंग में अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो राखी सिंह की तरफ से मैंने पक्ष रखा है, मैंने क्लियर किया है कि वजू खाने को लेकर के जो बातें बनाई जा रही हैं या आज उठाई जा रही है, ये क्लियरली केस को फ्रस्ट्रेट करने का एक प्रयास है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रही बात वजू खाने की और टॉयलेट अरेंजमेंट की, तो वो 4 नंबर से कम 100 मीटर के डिस्टेंस पे आप कर सकते हैं, उससे किसी को परेशानी नहीं होगी। और हालांकि जो बात की जा रही है वो कहीं से इस्लामिक लॉ को भी हिंडर कर रही है, मैंने बोला है कि इस्लामिक लॉ भी इसको अलाउ नहीं करता ऐसे को, तो इसको 100 मीटर दूर रखा जाए परिसर से कम 100 मीटर की दूरी पे। किसी भी तरह का अरेंजमेंट यदि आवश्यक है और बिना उसके नहीं बात बन रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में 100 मीटर के या 200 मीटर के डिस्टेंस पे इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट गेट के बाहर, मतलब बाहर एकदम परिसर से कम्प्लीटली बाहर किया जाए, परिसर से 1 इंच भी अंदर नहीं जाने देना, ये आप लोग का हमारा कहना है। राखी सिंह की तरफ से हमने पक्ष अंदर रख दिया है। तो फिर देखिए, हमने अपनी बात को रख दिया है, अब ये बैठक जो की जा रही है अधिकारियों के द्वारा, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा, जो भी संभावना होगी सुप्रीम कोर्ट में बात रखी जाएगी। हमारी तरफ से पक्ष क्लियर है, अंदर किसी तरह का अरेंजमेंट इस स्टेज पे हम लोग नहीं चाहते। जिला प्रशासन का क्या कहना है? जिला प्रशासन ने केवल बात सुनी है, अभी वो अपनी तरफ से इस चीज को रखेगी, सारी चीजों को तालमेल करेगी। ये मीडिएशन का स्टेज हमें समझ में आ रहा है कि किसी भी पक्ष को दबाए बिना इसका आधार निर्धारण किया जाएगा, तो जितना मूल इसमें अंजुमन इंतजामिया का है उतना ही हिंदू पक्ष का रहेगा। जो जिला अधिकारी द्वारा वजू खाने लैट्रिन बाथरूम के लिए जो मीटिंग में कल अंजुमन इंतजामिया को बुलाया गया था, हम लोग को नहीं बुलाया था, जिला अधिकारी का स्वतः है, उनका अधिकार है और निर्णय की क्षमता है, जैसे बुलाए। आज हम लोग को बुलाए तो उनको नहीं बुलाए हैं। हम लोगों ने वजू का घोर विरोध किया। बैठक में सोहनलाल आर्य, राम प्रसाद जी और आपके रेखा पाठक, सीता साहू, मंजू व्यास तो जरिए मोबाइल थी, क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन है, लक्ष्मी देवी उपस्थित रहीं, हमारे अधिवक्ता सुधीर पाठी में स्वयं था और सुभाषन चतुर्वेदी जी थे। हम लोगों ने हिंदू पक्ष का घोर विरोध किया गया कि किसी भी परिस्थिति में कैंपस के अंदर वजू की व्यवस्था न की जाए, हम लोग नहीं करने देंगे। और इसके लिए चाहे जो भी लड़ाई यहाँ सुप्रीम कोर्ट लड़नी जाए, क्योंकि ब्रैकेटिंग के अंदर कमीशन करने जाने दिया जा रहा था, हमारे सीलिंग पर वजू किया जा रहा था, हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ की जा रही थी और किसी तरीका से तो हम लोग उसको सील कराया है, वहाँ किसी परिस्थिति में नहीं बनने देंगे। मीटिंग में जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय जो है विष्णु शंकर जैन जी भी जो है दिल्ली से जुड़े हुए थे और उन्होंने जो है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जुड़े थे और माननीय जिलाधिकारी महोदय के सामने अपनी बात रख रहे थे। जिलाधिकारी महोदय भी प्रश्न करते थे और वे स्पष्ट एकदम तेज गति से कह रहे थे कि हर हाल में हम यहाँ वजू खाना स्वीकार नहीं करेंगे, यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, हम कभी भी जो अब तक हुआ है होता रहे, लेकिन बाबा के मिलने के बाद अब कभी भी हम लोग जो है वहां पर जो वजू खाना स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जिस तरह जो है पार्कों में, ट्रेनों में वजू खाना स्वीकार नहीं होता, वो करते नहीं है, जिस तरह हिंदू समाज जो है घर से जो है फ्रेश होकर आते पूजा पाठ करते हैं, उस तरह मुस्लिम समाज भी जो है अपना जो भी हो, लेकिन मुस्लिम जो उन्होंने विष्णु शंकर जैन जी, माननीय विष्णु शंकर जैन जी जो भारत सरकार के प्रशासनिक अधिवक्ता, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम इस ज्ञानवापी जो मंदिर है उसमें वजू खाना बर्दाश्त नहीं, हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोगों ने यही पक्ष रखा कि जैसे हम लोग हाथ मुंह धो के घर से आते नहा धो के, उसी तरह ये लोग भी नहा धो के आए वजू करने के लिए। 1 साल तक तो नहीं मांगे वजू, आज क्यों मांग रहे हैं? जिसके सामने रजिया मस्जिद है उसमें जाके वजू करें वो लोग? हमारे बाबा हैं, हम अपने यहाँ हम लोग के बाबा मिले हैं, फवारा नहीं है, ये हम लोग का आस्था जुड़ा हुआ है। ज्ञानवापी मंदिर के जितने परिसर है उसके बाहर बनाया जाए, लेकिन ज्ञानवापी मंदिर में नहीं बनाया जाएगा, पूरे परिसर में, क्योंकि हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, सारे मतलब विग्रह लोग वहाँ पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए वजू वहाँ नहीं बनाने देंगे। अगर वजू बनाने के लिए डीएम आदेश देते हैं तो सारे हिंदुस्तान सड़क पर उतर जाएगा। देखिए, मुस्लिम पर चेक खुरापात और खोज निकाला है कि वजू करने के लिए वो कह रहा है, तो आज डीएम साहब ने हम लोग से मीटिंग लिया था, कल उन लोग मुस्लिम पक्ष का लिया गया था, आज हम लोग हिंदू पक्ष का लिया गया है और ये वजू क्या हम लोग से पूछा गया, हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। देखिए, अगर मोबाइल वजू भी वहाँ बनाया जाता है तो वहाँ पे 3 मंदिर है, मस्जिद के ठीक सामने जो मंदिर हम लोग का है, उन लोग बोल रहे हैं उसके ठीक सामने 3 मंदिर है, माँ सिंगार गौरी का मंदिर है, वहाँ
वहाँ वजू के लिए हम लोग बिल्कुल बिल्कुल हम लोग घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस उन लोग का एक खुरापात है जो कि फिर से एक नया खुरापात निकाले हैं। जब वहाँ पे शिवलिंग मिल गया है, हमारे महादेव मिल गए हैं, तो फिर वहाँ वजू करने का सवाल ही नहीं उठता है।